आजरा के इन्फेंट जीजस पब्लिक स्कूल की नामांकित शाला योजना की मान्यता शासन की ओर से रद्द की होकर कड़ी कार्रवाई के मांग के निर्देश दिए गए। राजूरा के इन्फेंट जीजस पब्लिक स्कूल नामांकित स्कूल योजना की मान्यता शासन की ओर से रद्द की गई है। आदिवासी विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस संपूर्ण मामले की गंभीर दखल ली होकर शालेय शिक्षा विभाग ने इस संदर्भ में स्कूल पर कड़ी कार्रवाई करने की विनती की है। राजूरा के घटनाक्रम के बारे में अलग अलग वृत्त पत्र में वृत्त प्रसिद्ध हुए हैं, तथापि इन्फेंट जीजस पब्लिक स्कूल राजूरा तहसील राजूरा जिला चंद्रपुर इस स्कूल में घटी घटना की वास्तु स्थिति शासन ने अधिकृत रूप से जाहिर की है। अनुसूचित जमाति के विद्यार्थियों को अन्य विद्यार्थियों के मुताबिक अंग्रेजी माध्यम से निजी स्कूल में शिक्षा लेने का अवसर उपलब्ध होने, विभाग के 28/8/2009 को शासन निर्णय के मुताबिक नामांकित निवासी स्कूल योजना 2010-11 इस शैक्षणिक वर्ष से शुरू की गई है। उक्त योजना अंतर्गत विभाग की ओर से चुनाव किए गए अंग्रेजी माध्यम के दर्जेदार नामांकित निवासी स्कूल में अनुसूचित जमाति के विद्यार्थियों को कक्षा पहली से बारहवीं तक की शिक्षा दी जाती है। अब तक इस योजना अंतर्गत 174 स्कूल में तकरीबन 54,000 विद्यार्थियों को निजी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में प्रवेश दिया गया है। इन्फेंट जीजस पब्लिक स्कूल राजूरा तहसील राजूरा जिला चंद्रपुर इस स्कूल में सन 2011-12 से 2092 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है। चंद्रपुर जिले के इन्फेंट जीजस इंग्लिश हाई स्कूल राजूरा तहसील राजूरा जिला चंद्रपुर इस स्कूल में आदिवासी विद्यार्थिनियों पर हुए लैंगिक अत्याचार के मामले की गंभीर दखल लेकर इस स्कूल के नामांकित शाला योजना अंतर्गत दी मान्यता तत्काल रद्द करने के आदेश आदिवासी विकास विभाग ने 16/4/2019 को दिए हैं। साथ ही इस मामले की जांच पूरी होने तक नामांकित स्कूल योजना अंतर्गत प्रवेश दिए किसी भी विद्यार्थी को स्कूल में ना बुलाया जाए। साथ ही स्कूल के सभी विद्यार्थियों को अन्यत्र स्कूल में समायोजन करने की कार्रवाई आदिवासी विकास विभाग की ओर से शुरू की गई है। इन्फेंट जीजस इंग्लिश पब्लिक हाई स्कूल राजूरा के प्राचार्य के पत्र के मुताबिक स्कूल के निवासी वसतिगृह के विद्यार्थिनियों की प्रकृति बिगड़ने से उन्हें राजूरा ग्रामीण अस्पताल में भर्ती किया गया था। इनमें से एक विद्यार्थिनी को वैद्यकीय जांच में उस पर लैंगिक अत्याचार होने की संभावना होने का अभिप्राय आने से उक्त मामले में राजूरा पुलिस थाने में किसी भी तरह का समय बर्बाद न करते आदिवासी विभाग प्रकल्प कार्यालय चंद्रपुर की ओर से प्रथम शिकायत दर्ज कराई गई। जिला सामान्य अस्पताल चंद्रपुर में जांच की दृष्टि से इस विद्यार्थिनी के मानसोपचार तज्ञ द्वारा समुपदेशन शुरू है। इस संदर्भ में प्रधान सचिव आदिवासी विकास विभाग महाराष्ट्र ने चंद्रपुर के पुलिस अधीक्षक इनसे संपर्क साध कार्रवाई की जानकारी ली। इस समय पुलिस ने 4 शालेय कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की ओर से आगे की कार्रवाई शुरू है। दौरान इस स्कूल का नाम नामांकित स्कूल योजना से जल्द ही रद्द किया गया होकर घटना की गंभीरता को ध्यान में लेते विस्तृत जांच कर इस स्कूल पर कड़ी कार्रवाई करने संबंध शालेय शिक्षा विभाग को विनती की गई है।